हर किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय किया है आप उसका पालन करें, आप घरों में यथासंभव रहें। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जब जब बिहार में कोई संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले टारगेट सरकार पर होता है, और खास करके जब स्वास्थ्य की बात हो तो स्वास्थ्य महकमा सबसे ज़्यादा रडार पे होता है विपक्षियों के। बिल्कुल वैसा ही शुरुआती दौर में रडार पर रहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार अपने महकमे को नज़रअंदाज करने के लिए विपक्ष के रडार पर रहे हैं। कहा यह जाने लगा है कि मंगल पांडे को अपनी जिम्मेवारियों का पूरी तरह से एहसास नहीं है, इसको लेकर के कई बार मंगल पांडे घिरे हैं और उनका बीच बचाव उनकी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया है। चमकी बुखार हो या अन्य महामारी, अस्पतालों की स्थिति, सब पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते रहे। स्वास्थ्य महकमा बिहार में तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इसके साथ ही अब स्थिति यह है कि कोरोना जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है उसे लेकर के मंगल पांडे पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन अचानक से मंगल पांडे ने इस पूरे मामले को अपने कंधों पर उठाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर ये बात स्पष्ट किया था। जब विधानमंडल की कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश पारित हुआ था और मुख्यमंत्री के साथ वो बाहर आए थे कोरोना से लड़ने के लिए, क्या तैयारियां हैं उसका जायजा दे रहे थे। एक बार फिर से कोरोना को लेकर के जहां पूरा दुनिया चिंतित है, वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बाहर आए हैं। कोरोना से अब तक देश में कुल 10 लोगों की मौत हुई है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। इसके साथ ही बिहार में भी कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुबह में कोरोना के मरीजों के बारे में जानकारी देते हुए आंकड़ा पेश किया और उन्होंने सीधे तौर पे लोगों को आग्रह किया कि वो अपने घरों में ही रहें, इसकी अपील की, तथा ये भी कहा कि सबसे बेहतर इलाज और बचाव वही है जो आप अपने घरों में कैद रहें। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राज्य की ओर से जो राहत और सहायता पैकेज की घोषणा की गई है वह जनता तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना के जो मरीज संदिग्ध हैं या बाहर से आ रहे हैं उनके सैंपल को लगातार जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब तक कुल 191 सैंपल प्राप्त किए जा चुके हैं, इसमें से 175 रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए, 3 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, जबकि 13 लोगों का अभी प्रोसेस में काम चल रहा है, उनकी जांच के परिणाम का इंतजार सबको है। अब तक बिहार की जो स्थिति है उसका भी उन्होंने खुलासा किया कि बिहार में अब तक कोरोना से 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 3 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और 13 लोगों का जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है और किसी को आने जाने की मनाही कर दी गई है। स्वतः बिहार के लोग संज्ञान ले रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखना सबके लिए जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखना ही इस बीमारी को हराने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। वीडियो जारी करते हुए मंगल पांडे ने आगे बढ़ करके कोरोना पर अपनी बातें रखी और क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। कल राज्य सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। मेरा आप सभी लोगों से यह सादर निवेदन होगा, आग्रह होगा कि राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय किया है आप उसका पालन करें, आप घरों में यथासंभव रहें, बाहर ना निकलें। आप सब लोगों को मैं मास्क के उपयोग के बारे में यह बताना चाहूंगा कि मास्क केवल तभी पहनें जब आप में कोविड-19 के लक्षण, खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। आप कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति या मरीज की देखभाल कर रहे हो, आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आप इन लक्षणों से प्रभावित मरीजों की देखभाल कर रहे हो, तभी आप मास्क पहने। हर किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहायता पैकेज की घोषणा की गई। राज्य की सरकार आप सब लोगों को सतत सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये सहायता पैकेज की जो आज घोषणा हुई है वो आप सब तक राज्य सरकार के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। मैं जो कोरोना के संभावित मरीजों ने अपने जांच के सैंपल दिए हैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। अभी तक कुल 191 सैंपल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 175 के रिपोर्ट निगेटिव आए हैं, 3 का पॉजिटिव आया है और 13 का अभी अंडर प्रोसेस है, वो उसकी जांच के परिणाम का इंतजार है। तो अभी तक की स्थिति यही है और इससे आप सब लोग को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।